हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है, हम सब भी खैरियत से। तो चलें आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो बस आज तो उम्मीदों पे पानी फिर गई। कितना सोचा था कि सुबह उठते ही सारे काम जो से जो रह गए कपड़े उनसे फारिग हो जाऊंगी, लेकिन आज सुबह हमारा पानी ही नहीं आया। बहुत ज़्यादा स्लो था, जैसे कतरा कतरा आ रहा था। तो वो तो इस्तेमाल के लिए भरा भी पूरा नहीं हुआ, तो बस अभी वो रह गया है काम मेरा। बाकी तो घर सारा आपके सामने मैंने कल सब शेयर कर दिया था, क्योंकि इसके बर्तन वगैरह भी सारी सेटिंग भी थोड़ी चेंज करी और सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो निकाल दी, क्योंकि जो जिसकी जो चीज़ आती है वो इसमें रख देते थे कि जगह नहीं है क्या करें, अब इसमें संभाल के रख दी। लेकिन अब मैंने उसमें से सारे सामान निकाल के दूसरी जगह पे रख दिया। ये भी सब कल खोली थी पेटी भी, ये इसके भी सब सारा साफ ऑफ करके चेंज किए। तो इस ये इसमें बहुत टाइम लग गया वीडियो एंड करने के बाद। इसको हम लोगों ने किया था, इसमें करते करते हम लोग 10 बज गए थे रात को। बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि सारा सामान उतारा, फिर पेटी खोली, यहाँ तक कि पागल हो गए थे कि समझ नहीं आ रहा था कि अभी दोबारा पर इसके ऊपर दो बक्से भी हैं, तो वो उठाना धरना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस अभी उठे हुए काम, तो बस देखें घर सारा साफ है, कपड़े देखें कितने ज़्यादा हैं, बल्कि एक मशीन में भी हैं और ये सारे मशीन के ऊपर भी सारे कपड़े हैं ये धोने वाले हैं। तो पानी नहीं आया तो उस वजह से नहीं धो सके। बर्तन मेरे भी रहते हैं धोने के, वो भी नहीं धोए। बाकी देखें किचन भी सारा नीट हो गया, तो बस ये साइड भी देखें सारी चेंज कर दिए। तो थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। ये मेरा हाथ जो मैंने कैमरा पकड़ा ना तो इतना सख्त दुख रहा है, क्योंकि वो चुना करे ना उसका ब्रश बहुत ज़्यादा भारी था, तो उसकी वजह से सारी रात मुझे जो है साइडों पे दर्द हुई है। वैसे मैंने एक पेनाडोल खा ली थी, लेकिन फिर भी जो है ना आराम नहीं आया। बस सुबह जल्दी उठ के मैंने कहा चलें जल्दी से कपड़े भी धुल जाएंगे तो ये काम से भी फारिग हो जाएंगे, कल के दिन ये काम नहीं होगा कि कपड़े धोने हैं या वो कुछ। लेकिन बस जो सोचो वो होता नहीं है, वो बस क्या करें, पानी ने आज धोखा ही दे दिया। तो जब मैंने पेटी खोली थी तो उसमें से मुझे बक्से में है पड़ा हुआ था अम्मी का सूट भी निकला है लॉन का। ये देखें ये मेरी मम्मा का सूट है, ये एक कमीज है और ये शलवार है इसकी चिकन की वाइट, इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है ये देखें। तो ये मैंने निकाला था तो अब मुझे तो नहीं आ रहा था, तो मैंने बेटी कहती कि मम्मा मैं पहनूँगी, नानी का सूट है तो मैं पहनूँगी, तो बहुत कलर भी अच्छा है। देखें मेरी अम्मी के कपड़े जो है ना, मेरी अम्मी बहुत संभाल के पहनती थी, ख़राब नहीं होते थे। तो ये सूट निकला तो ये बेटी कह रही थी कि मामा मैं पहन लूँगी, तो मैंने कहा चले सही है मैंने पहना आपने पहना एक ही बात है, कोई बात नहीं आप पहन लो। वैसे अम्मी के कपड़े मुझे आ जाते थे लेकिन अब नहीं आ रहे। ये निकला तो ये लॉन का था, थोड़ा सा वो था छोटा छोटा सा मुझे लग रहा था, तो मैंने कहा चले बेटी कह रही मैं मम्मा पहन लूँगी, मैंने कहा चले आप पहन लें। क्या इंसान नहीं है लेकिन चीज़ें देखे मैंने संभाल के अपनी अम्मी की रखी हुई हैं। अम्मी का पानदान भी मेरे पास है, मेरी अम्मी पान खाती थी तो अम्मी का पानदान भी मेरे पास है। तो बस जब करो सफाई वगैरह जब चीज़ें निकलती ना देख के दिल बड़ा खफा होता है चीज़ों को, कि मेरी अम्मी की तस्वीर है ये देखें मैंने लगाई हुई घर में, अब्बू की बस वो फ्रेम नहीं हुई, वो भाई के पास ही है। तो बस दिल खफा हो जाता है देख के, कि बस याद आती है उनकी बहुत, कि आज वो होते तो और खुश होते कि चलिए मेरी बेटी कुछ कर रही है। तो बस क्या करें, तो अल्लाह की तरफ से होता है, भगवान की तरफ से जो मंजूर उन्हें सबकी बेहतरी के लिए करते हैं। तो बस अभी इंतज़ार कर रही हूँ, मैंने कहा चलें शाम में धो लूँगी, शाम में भी पानी अगर आ गया तो अच्छा है, लेकिन शाम में ही हो जाता है ना, फिर सूखने का बहुत मसला होता है, सूखते नहीं है कपड़े सही से। धूप अभी इतनी अच्छी तेज़ जो कहते हैं सही तेज़ वाली धूप निकली हुई है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन बस मजबूरी ये हो गई कि पानी नहीं है, पानी के बगैर तो कपड़े धुलेंगे भी नहीं, तो समझो हमारे प्रोग्राम पर आज ना पानी फिर गया। तो बस जल्दी से भी बर्तन धोती हूँ, बर्तन इतने ज़्यादा नहीं है, बर्तन धोती बाकी तो घर सारा साफ़ सुथरा हुआ है। देखिए यहाँ से भी बेटी भी पढ़ रही है, अपने प्रैक्टिकल वगैरह जो रह गए थे। कौन सा रह दिया आपको प्रैक्टिकल? फिजिक्स से रह गया, बायो केमिस्ट्री का तो उसका कंप्लीट हो गया, बल्कि चेक भी हो गया ना जी, चेक भी हो गया, तो फिजिक्स का अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट कर रही है। तो मैं जल्दी से बर्तन धोती हूँ, आगे की भी जो रूटीन है फिर वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। 4 बज रहे हैं और अभी गैस आई है, थोड़ी देर हुई है, तो मैंने पानी गर्म पे रखा है और मैंने मशीन लगाई, और आप कपड़े देख सकते हैं कि कपड़े कितने ज़्यादा है, कुछ कपड़े मैंने मशीन में डाल भी दिए। तो पानी अभी भी स्लो ही है, पाइप यहीं पड़ा है, ये बाहर से भर के ला रहे हैं। मैंने कहा मैं जल्दी से कपड़े धो लेती हूँ, टाइम देखे 4 बज गए, इंतज़ार करते करते ये टाइम हो गया है। देखे 5 बज गए और मैंने जल्दी सारे कपड़े धो लिए, जितना कपड़े का ढेर था सब धुल गए, सब बाहर गए डालने। तो बस अभी मशीनें सारा सुखा रही हूँ, फिर फ्रेश होंगी। बस देखे मशीन में मेरी कितनी साफ है, इसे अच्छे से धो के सुखा के रखती हूँ।
और सभी में फारिग हुई हूँ और अभी हो रहे हैं 5:30। तो बस अभी सारा घर सफा भी कर लिया, बाहर से भी जगह वगैरह धो के, अभी बस सारा गीला हुआ, सूखा तो नहीं क्योंकि शाम हो गई और बादल भी आ गए, तो बस देर हो गई बहुत ज़्यादा। आज तो ख्वार हो गए पानी के हाथों, नहीं तो सुबह हम लोग फारिग हो जाते। बस ये चादरें वादर अंदर लाए क्योंकि रस्सियों पे जगह भी नहीं है, कुछ कपड़े अंदर ही फैलाए और कुछ ये उतार के नहीं गए कि बस ये पतली पतली चादरें ये इधर डाल देते, हवा से खुशक हो जाएंगी क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। तो बहुत ख्वार हुए पानी के हाथों हम लोग आज बहुत ज़्यादा, नहीं तो हम लोग सुबह सुबह ही फारिग हो जाते। और इस टाइम अपना खाना वाना भी बना के, आपको तो पता है मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ, 2 दिन से ये हाल हो रहा है। तो अब जल्दी से देखती हूँ, आलू पड़े हैं वो जल्दी से आलू ही बना लेती हूँ। सारी गीली है और सूखी नहीं है। और ये देखें बाहर फरहान खड़े हैं। हेलो फरहान, कैसे हो? रोजे पूरे जा रहे? पूरे जा रहे रोजे अभी तक? तरावी भी? तरावी पढ़ने जाते? हाँ, फरहान का मुंह देखे कितना कमजोर हो गया। नहीं नहीं वो नहीं दिखाओ भाई, वो बुरी बात होती, वो नहीं 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 वो ना दिखाओ ना। नहीं रे बता रहे कि इन्होंने अपने घर सर को गंजा किया है और ये कहता है कि मेरे बाल बहुत ज्यादा बड़े हो गए, अंदर मैं बस बिल्कुल खत्म कर रहा हूं। नहीं अच्छे लग रहे, प्यारे लग रहे। आज इसने बाल अपने कटा दिए, बिल्कुल गंजा। नहीं माशाल्लाह प्यारे लग रहे, खूबसूरत हो गए, गोल गेंद हो गया। और मैंने कहा दिखा दूं दीदी, और देखें सामने बादल। हां जी ये देखें, ये नजदीक से देखें, आंखें देखें फरहान की कितनी प्यारी है, ग्रीन आई है इसकी। हां और ये देखें बादल आ गए और बच्चे पतंग उड़ा रहे, इधर भी पतंग उड़ा रहे और ये साइड पे भी है, देखे सारे बादल आए हुए। ये असमन भी खड़ा हुआ जी, बच्चे देखें इतने ज्यादा बाहर लिखने में सब खेल रहे हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। यूट्यूबर्स आलू बनाते बनाते बनाने लगी हूँ चावल। तो आलू अंडे की समझ लें कि बिरयानी है सिंपल सी। तो अंडे मैं 2 ही डाल रही हूँ क्योंकि पापा तो नहीं खाते अंडे ना, तो बस 2 अंडे ये स्लाइस करके मैं दम में डालूंगी। बाकी जो चीज़ें हैं, बिरयानी मसाला है, जरदे का रंग है, साबुत गर्म मसाला है, एक बड़ी प्याज काटी क्योंकि वाकई प्याज बहुत महंगी, कल भी मेरी एक बहन गई थी, बहन हमारे यहाँ भी प्याज जो है ना वो बहुत महंगी है, टमाटर भी बहुत ज़्यादा महंगे, टमाटर मैंने 1.5 टमाटर भी आधा मैंने रख लिया, मैंने कहा चलिए बस 1.5 बहुत होगा, बड़े थे। बाकी नमक है, लाल मिर्चें हैं, धनिया है, हल्दी है, ये सब गर्म मसाला जाएगा, ऑयल में डाल देती मैंने डेची, और अदरक लहसुन मैंने यहाँ कूट के रख दिया है। और चावल मैंने सेला ही लिए क्योंकि सेला चावल जो मैंने उस दिन फर्स्ट टाइम बनाए थे तो बहुत अच्छे लगे थे हम लोगों को, तो मैंने कहा मैं जो टोटा चावल जो बनाने की बजाय ना सेला चावल के ही टोटा लाया करूँगी, तो ये बहुत ज़बरदस्त और बड़े बड़े भी हो जाते हैं। तो बस ये चम्मच मैंने ज़्यादा डाले क्योंकि चावल में अच्छे लगते हैं। और साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ प्याज, कि ऑयल गर्म हो चुका है, प्याज को अच्छा सा कलर दूंगी गोल्डन सा, और फिर मैं बाकी मसाले वगैरह डालूंगी। तो प्याज हो गए थे, इसमें मैंने अदरक लहसुन भी डाल दिया और साथ गरम मसाला डाल के थोड़ा सा भुना है। अब मैं इसमें ये आलू डाल दूंगी, और आलू अभी भी आपको 2 रंग के दिख रहे होंगे, पता नहीं किस किस्म के आलू आ रहे हैं, मिक्स करके दे देते हैं। 2 आलू उन्होंने सफ़ेद दिए और 2 पीले दे दिए, तो ऐसे लग रहा है शलजम आलू पक रहे हैं। अब इसमें आलू को मैं अच्छा सा कलर देने तक जो है ना फ्राई करूँगी, इसमें कोई मसाला नहीं डालूंगी। आलू को मैंने अच्छे से भुना है और देखें आलू में इसलिए पानी निकलता है, तो अच्छे से तकरीबन 1/2 डन हो चुके हैं ये। ये सारे कुछ मसाला डाल दूँगी मैं इसमें, और बिरयानी मसाला भी डाल करूँगी। तो 2 चम्मच मैंने भर के डाली है, तभी मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। तो इसे मैंने भून के अब थोड़ा सा इसमें पानी डाला था फिर भुना है, तो अच्छे से ही भून गया और देखे कलर कितना ज़बरदस्त है। अब मैं इसमें ये टमाटर डाल के उसको ढाँक के छोड़ दूँगी और पानी नहीं डालूँगी क्योंकि आलू गल चुके हैं काफ़ी हद तक। कहे कि आप पुदीने के पत्ते तोड़ लें, अजान होने वाली, अजान से पहले तोड़ लें। मैं जाती हूँ कपड़ों के पीछे कि कपड़े भी देख लूँ, बल्कि ये गए हुए मेरे से पहले ही चले गए। देखिए अभी आपको दिखाती हूँ वहाँ जाके, रोज़े का टाइम हो गया, ये देखिए उतार लिए, सॉरी अजान हो गई है, ये देखिए। लेकिन सिर्फ टमाटर थे और पहले आलू भूनने से ये फ़ायदा हो गया, मुझे पानी बिल्कुल मैंने नहीं डाला, उन टमाटरों और भुनाई में ही ना आलू गल गए हैं, तभी इसमें मैं चावल शामिल कर दूंगी। और जब चावल दम पर आएंगे तो ऊपर से अंडे के स्लाइस, पुदीना, जरदे का रंग और केवड़ा और सब जो गर्म मसाला है वो शामिल करूँगी। मैंने पानी डाल के इसको रख दिया है और थोड़े से मैंने और मैं आलू वाला कौरमा लिखा लिए सुबह नाश्ते के लिए, क्योंकि नाश्ते में सालन ना हो तो खाली पराठे खाए नहीं जाते। बस ये निकाल लिया, अंडे के स्लाइस करती हूँ और केवड़ा निकालती हूँ फ्रिज से।
ये फ्रिज में रखी तो मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया, मैंने तो लोन के कपड़े भी निकाल लिए अपने और बेटी के, उन्होंने भी नहीं कह रहे थे कि रहने तो मौसम बारिश होगी तो चेंज हो जाता है, मैंने कहा नहीं तो इतनी बारिश भी अब ठंड वाली बारिश नहीं होगी, मैंने तो कल जो रात में सारे अपने गर्म कपड़े अपने और बेटी के रख दिए और लोन के कपड़े निकाल लिए मेरे जी। तो व्यूअर्स चावल दम पर आ गए हैं और ये मैं इसमें अंडे डाल रही हूँ स्लाइस, साथ ही में केवड़ा डाल दूंगी। इसे खुशबू बहुत जबरदस्त आती है, बिरयानी की तो जान होता है और कौरमे की। साथ ही फ्रेश पुदीना है, थोड़ा सा गर्म मसाला भी खुशबू के लिए डालूंगी, मेरे पसंद का गर्म मसाला जो होता है ना इसकी खुशबू भी बहुत जबरदस्त आती है चावलों में पुलाव में। इसको मैं दम पे लगा दूंगी 10 मिनट के लिए। तुम लोगों का देखो, हाँ जी इसका दम हो गया है, जबरदस्त सा कलर आया है ये देखें। मैं इसको मिक्स करती हूँ, देखिए कैसे खिले खिले चावल बने, बहुत ज़बरदस्त चावल है ये हमारे यहाँ है। बस इसे मिक्स करके मैं भी रखती हूँ और थोड़ी सी रोटी बनाती हूँ इनके लिए, गर्म करती हूँ, बड़ी भी है रोटी रात की, कहते हैं कि गर्म कर देने बस मैं गर्म करती हूँ। तो सब कुछ रेडी हो गया है, दही पुदीने का जो फ्रेश पुदीने का रायता बनाते हैं वो बनाया है, थोड़ा सा कचूमर बनाया है, सिर्फ खीरे और टमाटर डाले, प्याज डाले, प्याज बहुत महंगे, और थोड़ा सा सारा मैंने इन्हें दे दी, मैंने कहा चले रोटी थी गर्म करके इनको दिए क्योंकि चावल के साथ रोटी ज़रूर खाते हैं। तो ज़बरदस्त सी सिंपल सी सादा सी अंडा आलू बिरयानी तैयार है, तो आप लोग भी आ सकते हैं हमारे साथ एंजॉय कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो आज की रूटीन और सब कुछ जो आपके साथ शेयर किया आपको पसंद आएगा, और जो नए आ रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ अभी मैं, फिर कल आपसे मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और हमें रखिएगा अपनी दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।